शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। डॉक्टरों को और हॉस्पिटल में हर जगह दिखाया, कुछ भी नहीं होता था, दवाई
दवाइयां दे देते थे, फिर थोड़ी देर में आराम होता था, फिर ज्यादा होने लग जाता था। काफी इंजेक्शन भी मेरे लगे थे, एक दिन में तीन तीन चार चार इंजेक्शन लग जाते थे दर्द के। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। फिर किसी ने मतलब कि बताया भाई को कि इसको चर्च ले जाओ, चर्च में जाके तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। मेरे भाई ने बोल घर पे आके बात करी दादा से, फिर दादा ने बोला कि ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर काफी लोग हैं जो विश्वास नहीं करते पूरे पुराने ख्यालों के, मतलब कि अपने देवी देवताओं को नहीं छोड़ते। परंतु मेरे दादा ने अपने बेटे को खो दिया इसी चक्कर में, और हमें पहले नहीं पता चला था, नहीं तो आज हमारे बड़े पापा भी जिंदा होते। पर दादा ने बोला कि इसको ले जाओ चर्च में, ठीक हो जाएगी। तो भाई चर्च ने कराया, भैया के पास हमारी बहुत हालत खराब थी, क्योंकि जो मेरे अंदर दुष्ट आत्मा थी वो मेरी सिस्टर के अंदर आ गई थी, जो मैंने उसमें तीन साल में हालत करके उसके चार दिन में कर दी थी। हम दोनों घर की बहुत ज्यादा हालत खराब थी। हम भैया के घर गए थे, भैया ने हमारे लिए वहां पर प्रार्थना करी, घर पे अपने प्रार्थना करी, प्लस का ऑयल लगाया। उसके बाद भैया ने बोला इनको चर्च लेकर चलो। उस दिन मंडे था, मंडे को हम चर्च में आए, यहाँ पर मीटिंग थी, सभी लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना करी, भैया ने हमारे लिए प्रार्थना करी। उसके बाद फिर शाम को भैया हमारे घर पर आए, भैया ने फिर प्रार्थना करी, और प्रभु ने हमें उसी घड़ी छूकर चंगाई थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें घड़ी छूकर चंगाई थी। और मैंने अपने घराने का उद्धार किया। हमारे घर पे काफी लड़ाई झगड़े होते थे, हम एक साथ रहते हमारे घर में काफी लड़ाई झगड़े होते थे, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने उस चीज को भी हमारे घर से दूर किया। अब हमारे घर में लड़ाई होती है, पर भैया का वचन ऐसा हमारे घर में आता है, बड़े बड़ों में होते हैं, सिस्टरों में होती है, पर भैया का एक वचन ऐसा आता है मंगलवार को कि वो हमारे लिए ही होता है। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उस वचन में चलते हुए हम आपस में बात कर लेते हैं। मैं परमेश्वर का अपना धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हर एक सिचुएशन से हमें निकाला है। और एक गवाही मेरी ये है, मैं प्रार्थना करती थी परमेश्वर से कि प्रभु मेरे पापा को बदलो, परमेश्वर ने बदला। पर एक ये एक पापा ही हमारे जीवन का कारण है परमेश्वर में आगे बढ़ने का, क्योंकि पापा जब भी हमें डांटते हैं या कुछ भी परमेश्वर के बारे में बोलते हैं तो इससे हमें परमेश्वर को हमारी ओर से महिमा मिलती है। इस चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हर सिचुएशन से हमें निकालते हैं, चाहे कितनी बड़ी भी हो, बस एक प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक काम को कर देते हैं। इस चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर वर्शिप करूंगी, पर जो हम सोचते भी नहीं है परमेश्वर हमारी सोच से परे हटके हर एक काम को करता है। परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबसे और जो मेरा शरीर मतलब कि इतना सूख गया था, परमेश्वर ने मुझे 6 महीने में ना मोटा कर दिया था, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस चीज के लिए। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि मैंने सोचा नहीं था मैं जॉब करूंगी, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे प्रार्थना हुई जवान बच्चों की जॉब के लिए, परमेश्वर ने मेरी जॉब लगाई, मेरी तीनों बहनों की।